हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर बचे हुए होंगे कोविड-19 से। और हमारा सिलेबस हो चुका था, तो अब उसके बाद हम रिवीजन क्लासेस कर रहे थे। और रिवीजन क्लासेस हम एमसीक्यूज बेस्ड कर रहे थे, और एमसीक्यूज बेस्ड में आज हम लेके आए फिर से आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मटेरियल टेस्टिंग एंड कंक्रीट से बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए हम देखते हैं, आज अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट एग्रीगेट ऑफ मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। इसने कहा है कि जो कॉम्पैक्ट एग्रीगेट्स के जो मिनरल्स हैं, जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं, तो हमने बताया था कि जो हमारी अर्थ है उसकी तीन लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीन लेयर्स होती हैं। तो जो अर्थ क्रस्ट में मिलती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रॉक्स। और रॉक से क्या बनता है? स्टोन। और वहीं पे क्या होता है? स्टोन के साथ में ही सोयल होती है। और मैग्मा कहाँ होता है? कोर में। ये सबसे लोअर पार्ट होती है, ये होती है क्रस्ट, ये होता है मेंटल, ये होता है कोर। सेकेंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द रॉक्स फॉर्म्ड बाई कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा के कूलिंग से कौन सी रॉक बनती है? तो हमने रॉक्स के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था, फॉर्मेशन के हिसाब से तीन टाइप्स की रॉक होती है, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले बात हमने कही थी, जब भी कूलिंग ऑफ मैग्मा से जो रॉक्स बनती है उनको बोलते थे हम इग्नीशियस रॉक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब इनके ऊपर जब फर्दर वर्क होता है तब उसमें बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द रॉक्स इन विच लेयर्स आर विजिबल, मीन्स इसके अंदर हमें लेयर्स दिखती हैं, लाइंस दिखती हैं एक सेक्शन की, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, उनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, द रॉक्स हैविंग क्ले एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, कि हमारे पास एक रॉक है जिसके अंदर जब हम उसकी केमिकली टेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर क्ले एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हमने पढ़ा था कि यदि कैल्शियम सबसे ज़्यादा है तो कैलकेरियस रॉक्स होती थी, सिलिका सबसे ज़्यादा होती थी सिलिशियस रॉक्स होती थी, और यदि क्ले सबसे ज़्यादा होती है तो उसका आंसर हो जाएगा आर्जिलिशियस रॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्जिलिशियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द कलर ऑफ ए मिनरल इन पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म में किसी भी मिनरल का कलर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्ट्रिक। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेनाइट। हमने बहुत से स्टोन पढ़ेंगे, ग्रेनाइट्स, मार्बल, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, बहुत से हमने स्टोन्स पढ़े थे। कौन सा स्टोन है, किस इनमें से कौन सी टाइप की रॉक है, हमें ये बताना है। इसी टाइप से हमारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं मल्टीपल चॉइस में, जब भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है ग्रेनाइट स्टोन इज, ग्रेनाइट इग्नीशियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है? तो ग्रेनाइट है वो कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इग्नीशियस रॉक्स। सेकंड है मार्बल। मार्बल क्या है हमारी? मार्बल कंटेंस, मार्बल में क्या होता है? लाइम, सिलिका, लाइम एंड सिलिका, नन ऑफ द अबव। तो मार्बल में हमने दो कलर दिखाई देते हैं, दो या तीन या चार, उनमें कुछ लाइनिंग्स भी दिखते हैं, बिल्कुल वाइट या बिल्कुल ग्रे भी आते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं मार्बल में होते हैं लाइम एंड सिलिका। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन्स क्या होती है? देखिए नाम ही बता रहा है सैंड, और अभी हमने बताया था यदि सैंड है तो कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, मिनरल कौन सा है? अभी तक बता रहे थे स्टोन्स की, अब बताइए मिनरल। क्वार्ट्जाइट स्टोन है, लेटराइट मिट्टी है, स्टोन की पार्ट है, ग्रेनाइट स्टोन है, परंतु कैल्साइट हमारा एक मिनरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्साइट। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, इनमें से कौन एक रॉक है? जिप्सम, बिल्कुल सही आंसर है, जिप्सम है। सेकेंड ओजाइट, ओजाइट एक मिनरल है, कैल्साइट एक मिनरल और मिक्का भी एक मिनरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर दस, कौन एक रॉक है? जिप्सम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास कोई भी एक स्टोन है, जब भी हम स्टोन्स का यूज़ करते हैं एग्रीगेट्स की फॉर्म में, तो हम उनके ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं, और उन्हीं टेस्ट में से एक होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जो हमने लैब में किया था। तो इसने कहा है कि एक स्टोन है वो रिजेक्ट किया जाता है इफ़ वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ मोर देन, कितने से ज़्यादा हो, तो इसका आंसर होता है 15%। यदि 15% से ज़्यादा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो स्टोन आपका इजीली लोड नहीं ले पाता है, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग स्टोन कैन बी इजीली ड्रेस्ड। बिल्डिंग स्टोन कब इजीली ड्रेस होता है? तो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जब भी मैंने उस स्टोन को कहीं से निकाला, किसी भी हिल से या रॉक से, जहाँ से भी मैंने निकाला, तो वो कुछ इस फॉर्म में मिलता है, कुछ अदर्स फॉर्म में मिलता है, बट हम उसको कट करते हैं, उसकी शेप और साइज को चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ड्रेसिंग। तो इसने कहा कि जो बिल्डिंग स्टोन है वो इजीली कब ड्रेस हो सकता है, तो सबसे इजीली कोई चीज़ कब होती है, जब उस इनिशियली जब उसको निकाला गया है, तो कब होता है, जस्ट आफ्टर क्यूरिंग, क्यूरिंग के जस्ट बाद इसका आंसर हो जाएगा ए। सीजनिंग का होता है सुखाना, तो सूखने के बाद या कुछ मंथ्स के बाद नहीं हो सकता, तो सबसे ईजी होती है ड्रेसिंग, जैसे आपने क्यूरिंग की है उसी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टोन जनरली यूज्ड फॉर रेलवे ब्लास्ट। रेलवे ब्लास्ट के लिए कौन सा यूज होता है? उसके लिए होता है बेसाल्ट एंड ट्रैप्स। नेक्स्ट, एट्रिशन टेस्ट ऑन स्टोन इज डन। हम बहुत से टेस्ट करते हैं, हमने बताया था वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, लॉस एंजेलस टेस्ट, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, तो ये सभी हम टेस्ट करते हैं। तो इसने कहा कि जो एट्रिशन टेस्ट होता है हमारा, उसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ वियर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं करते, हार्डनेस हम डोरी एब्रेशन से करते हैं, टफनेस हम एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट से करते हैं, तो आप हमारा आंसर आएगा रेट ऑफ वियर, पता करते हैं हम एट्रिशन टेस्ट। दिस सोयल गुड फॉर मेकिंग ब्रिक। ब्रिक को बनाने के लिए कौन सी सोयल अच्छी होती है? ब्लैक कॉटन, अलूवियल, सिल्टी, सैंड एंड सिल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है, काफ़ी बुक्स में आपको मिलेगा ब्लैक कॉटन, बाकी यदि एज पर रिकमेंडेशन नॉर्मली हम देखें तो इसका आंसर होता है अलूवियल, लेकिन जो हमारी बुक्स है, जो कोडल प्रोविजन है, वो ब्लैक कॉटन विद सिल्ट, मीन्स हमारी सैंड और सिल्ट मिला करके और ब्लैक कॉटन के साथ मिक्सिंग होके, ब्लैक कॉटन मीन्स मेजर पार्ट होता है ब्लैक कॉटन, तो उस केस में दी सोयल गुड फॉर बेकिंग ब्रिक इज ब्लैक कॉटन होता है आंसर इसमें, लेकिन एक्चुअल में जो होगा वो होता है अलूवियल, बुक्स में हमारे में ब्लैक कॉटन मिलेगा आपको। नेक्स्ट, रेड कलर इज इम्पार्टेड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स में रेड कलर इम्पार्ट होता है किसके रीजन से होता है? ये होता है हमारा आयरन ऑक्साइड से, फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर। 1 m³ में कितनी ब्रिक्स होती हैं? तो सबसे इजी है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो है सी, 500 ब्रिक्स होती हैं 1 m³ में। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सिलिका, कि कितनी परसेंटेज होती है सिलिका की गुड ब्रिक अर्थ के लिए, कितना लाई करती है? तो वो होती है 20-30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ब्रिक। अप्रोक्सीमेट वेट क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वेट होता है 3.2 kg। और यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 20 कि आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है, तो वो होता है 19 × 9 × 9 cm, या फिर लिख सकते हो 190 × 90 × 90 mm। क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस ब्रिक्स के, स्टोन्स के, जो हमारे मटेरियल टेस्टिंग में एग्रीगेट्स के नाम से जो आते हैं, उन सभी के पार्ट्स थे। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे, यदि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।